जी शानन, थैंक यू। जानना चाहेंगे मन मर्जी सुनते ही ऐसा लगता है क्या कुछ इसके पीछे छुपा है और आपके ख्याल में कैसा आया है इस मन मर्जी के बारे में? बस हम दो ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो एक उसमें म्यूजिक है। तो हमने सोचा कि इस बार हम जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में चले, म्यूजिकली चले और कुछ अच्छे गाने रिकॉर्ड करें। नॉट विथ स्टैंडिंग व्हाट जॉनर इट इज, व्हाट ट्रेंड इज हैपनिंग, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। वी वांटेड टू गेट 5 सोलफुल सॉन्ग्स। ही कंपोज्ड इट, आई sang इट। What is something different are we going to see in this? क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है जो पानी की वेव्स की आवाज़ है, बहुत ही कम आजकल म्यूजिक में सभी चीज़ें सुनने मिलती हैं जी। किस तरीके से आपने पूरा शूट किया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 अलग अलग चीज़ें। देखिए, एक तो अभी जो टाइम है, अभी इस टाइम में आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो परसेप्शन के हैं कि इस तरह का काम चलता है, इस तरह का साउंड लोग सुन रहे हैं, ये पॉपुलर है। बट एक्चुअली जो है, म्यूज़िक हर ज़माने में तरह तरह का म्यूज़िक को एग्जिस्ट किया है। आप सोचिए, जिस ज़माने में हम बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्म्स देखते थे, 60s मानिए, 50s, 60s, 70s, उसी ज़माने में पंडित रविशंकर उधर यू नो इज़ डूइंग सच ग्रेट वर्क इंटरनेशनली विद क्लासिकल म्यूज़िक। फिर पुण्यदास बाउल इज़ डूइंग इंटरनेशनल वर्क इन द सेम पीरियड। आई थिंक जो हमारा जो मन की इच्छा थी कि ऐसा काम करे जो एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है ना, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है जो कि इस टाइम के लिए सही है, और एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है जो कि एनी टाइम 50 इयर्स लेटर भी आप सुने तो आपको मज़ा लगेगा। सो उसी हिसाब से ये बना है। एंड इसमें आप बहुत लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन आपको सुनने को मिलेगा। जॉनर्स अलग है, कभी कवाली है तो कभी ब्लूज़ है तो कभी सूफी गाना है। और जो जिस गाने के जिक्र आप कर रहे हैं, दरिया, वो दैट इज़ अ सूफियाना सॉन्ग, नॉट टिपिकल। सूफियाना मतलब ऐसे कि नहीं कि ऊपर गा रहा हूँ मैं, हाँ वो ये हर गाने में पुकार नहीं होता है सूफी का। सूफी इज़ अ फिलॉसफी, सूफीज़म इज़ अ फिलॉसफी। तो आप बड़े प्यार से सॉफ्टली यू कैन सिंग अ सूफी सॉन्ग, और उसमें और उसका लिरिक्स इम्पॉर्टेंट है। जैसे इस गाने में क्या है, द फर्स्ट लाइन इज दरिया के जल में बादल के टुकड़े। सो ये थॉट जो है, दिस लीड्स द सॉन्ग इनटू वेरियस प्लेसेस। तो मतलब दरिया नीचे है, आसमान ऊपर है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ अ सूफियाना थॉट कि सब कुछ सेम है, सब कुछ एक है, जॉइंड है किसी ना किसी तरह, इंसान जैसे जॉइंट रहता है। इट इज इनफिनिट बट इट जॉइंट्स समवेयर। या सो देयर इज अ लॉट इन द एल्बम, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट, येट इट इज इजी लिसनिंग, येट इट इज सिंपल। आपको सुनने के बाद आपको गुनगुनाना मजा आएगा, बट आप थोड़ा सा अगर घुसना पसंद करते हैं गाने के अंदर तो वहाँ भी आपको बहुत यू नो ट्रेजर मिलेगा, कि वो साउंड का ट्रेजर है, लिरिक्स का ट्रेजर है, गायकी का ट्रेजर है, बहुत कुछ है इसमें। You'll find a lot of arrangement, compositions, recording jo hua hai, and it has been mastered by one of the biggest sound engineers. He's a Grammy Award winner, Barry Phillips. Barry Phillips. Aur itna clear, bata raha tha main, hum log aa rahe the, to because after the recording and all that, we have met pehli baar na, after, to hum sune hain and all that, but today I was talking about Barry Phillips. मैंने कहा इतना क्लियर मेरे टोनल क्वालिटी उन्होंने इसमें ही मैनेज टू गेट इट, इतना खुश हूँ मैं। इट्स लाइक एज इफ आई एम जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू देयर। एंड हां, देयर आर टोटली 5 डिफरेंट लाइक सॉन्ग्स
एक ब्लूज में है, ब्लूज हुस्न दिस इज अ सेंशुअल नंबर एंड इट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ अ वुमन. सो ये जोन एकदम ही अलग है, रोमांटिक है. इट्स द पोएट्री इज सेंशुअल. सो आप सुनिए, उसके मेलोडी भी वैसे ही है. इट कम्स विद सैक्सोफोन एकॉम्पैनीमेंट्स, गिटार्स. इट्स अ बिट मोर वेस्टर्न देन द अदर सॉन्ग्स. और उसका ऑर्केस्ट्रेशन फूल जैसा है ऐसा. एक मिनट हुस्न की ये चाह में, मदहोशी की बाह में, होश खोने दे होश कोने, बाली उमर की सयानी, हुस्न पर वो दीवानी, बाली उमर की सयानी, हुस्न पर वो दीवानी, हुस्न हसी हुस्न जवान, हुस्न बिना है सोनी जहां, हुस्न पीने दो हुस्न पीने. इसका झोल एक झोल एकदम अलग है इस गाने का. सो साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, टुडे इज 14 फेब, एवरीवन नोस इट्स अ वैलेंटाइन. हुस्न पीने थे इश्क करने थे प्यार होने दे. म्यूजिक से तो हम देख रहे हैं कितना प्यार है. जानना चाहेंगे जर्नी जब से स्टार्ट हुई है इस तरह आपकी, तब से लेके अब तक कितना चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें आप मिस करते हैं, वो दिन वो यादें जल्दी जल्दी आज प्यार की बात है. हाँ, एक वक्त था मैं टेलीफोन की यूज करके देखता था, वो यार शर्म कर कभी तो बजा कर काम ही नहीं था. वो दिन देखें और फिर उसके बाद गाने चलने लगे, उसके बाद बहुत सारे. अभी ऐसा है कि बजना बंद कर थोड़ा देर के लिए. वो तो आजकल वो सोशल मीडिया में क्लिंग 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 करके बंद करके रखा है. तो ये क्या है ना, आप एक आप जो भी काम करते हैं आप, वो आपके लिए पूजा है. अब रोज पूजा करते हैं, भगवान दे ना दे कोई बात नहीं, एक रिचुअल है. उसी तरीके से जब हम म्यूज़िक लेते हैं, उससे सीखिए और रियाज कीजिए. सिर्फ वो रियाज काम आता है और कुछ नहीं काम आता. और जो भी काम आता है, अगर इल्म ठीक नहीं हो तो थोड़ा देर चलता है, थोड़ी देर चलता है. इट कांट बी अ लॉन्ग जर्नी. तो ये सब है मेरी ज़िंदगी में. I just look back and smile, and I always share it with youngsters. कि रास्ता मुश्किल है, काम ठीक से करो और बस फिर छोड़ दो ऊपर वाले पे. अगर सर हम बात करें पांचों में सबसे बेस्ट आप लोग आप दोनों के लिए जुगलबंदी कौन सी थी, अगर आप दोनों से पूछा जाए. ये ऑफ कोर्स ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि इतने अलग है गाने कि कभी आपको लगेगा कि अभी मानिए शाम के वक्त हो और आप अकेले बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हुस्न गाना सुने, उसमें जो एक फील है एक प्यार के एक सेंशुअलिटी के. अगर आपको थोड़ा सा अभी जब आप ड्राइविंग चल हाँ ड्राइव में जाएंगे तो आप दरिया सुनिए, दरिया सुनिए. हाँ, तो कि एक ड्राइव एक मूवमेंट है उसके अंदर, एक चलता हुआ फील है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ सॉन्ग. हर गाने का गायकी अलग है, हर गाने का अरेंजमेंट अलग है. सो इट्स डिफिकल्ट टू से दैट. अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोल रहे थे
दरिया बहुत अच्छा लगता है, अभी यहाँ आते आते हरजी बोले नहीं यार हुस्न बहुत अच्छा है, फिर शाम तक शायद बोलेंगे अजनबी अच्छा है. सो डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट. सो वन मोर थिंग, नाउडेज लाइक म्यूजिक सुनते ही हर कोई बच्चा या फिर बड़ा हो वो एक रटा फाइल हो जाता है, लाइक गुनगुनाने लगते हैं जी. लेकिन लिरिक्स की बहुत मायने होती है. बिल्कुल. आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जो भी लिरिक्स हो उसमें शब्द कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ गुनगुनाना बहुत आसान होता है लेकिन उसे समझते नहीं. देखिए इट इज लाइक अ लैंग्वेज, डोंट हैव वर्ड्स, तो वही बात है ना. गाना जो है म्यूजिक है, सब कुछ है, ये सब शब्द प्रदान है जो हम काम कर रहे हैं. जब सॉन्ग्स, व्हेन यू सिंग अ सॉन्ग या बनाते हैं आप, वो शब्द प्रदान है, शब्द में ही सारा ड्रामा है, वो स्क्रिप्ट है, उसे हम जीवित ले आते हैं. जैसे मेहदी साहब कहते थे कि हम सुर के जरिए शब्द को, शब्द से हम एक सीन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए. बड़ा अच्छा गाँव है. प्यार भरे प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, क्यों मुझे तड़पाए. तो कहते थे कि लफ्ज को ऐसे गाए आप अदा कीजिएगा तो सामने आ जाए सारी मीनिंग उसकी. शब्द तो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, क्रूशियल है, वेरी इम्पोर्टेंट. देखिए साउंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, और कंपैरेटिवली VST मतलब जो कीबोर्ड से जनरेटेड साउंड्स है वो कम है तो ज़रूर लेकिन कम है. तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सितार, सरोद, बांसुरी तो है ही है, बट रेयर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बुलबुल तरंग जो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है वो है. देन देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूट्स है, कुछ चाइनीज फ्लूट्स है, कुछ अलग अलग कंट्री के फ्लूट्स हैं. पर्कशंस बहुत सारे हैं, तबला तो है ही, ढोलक है, लेकिन उसके साथ दरबुका है, ऊडू है जो अफ्रीकन है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और लाइव है सब, हाथ से बजाया हुआ इंस्ट्रूमेंट्स. सो वो एक प्रोजेक्ट को एक डिग्निटी देता है क्योंकि इतने सारे लोग आके बजाए हैं, जो ईच पर्सन इज़ अ मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट. तो उसमें एक प्रोजेक्ट भारी होता है, उसमें वजन बढ़ता है प्रोजेक्ट का, और साउंड जो मिलता है लिसनर को वो बहुत ब्रेड्थ, विड्थ, डेप्थ ज़्यादा मिलता है. जी हम दोनों मिलकर एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं आपके लिए जिसका नाम है मन मर्जी, और हमें अच्छा लग रहा है सारे गाने, और आप ज़रूर सुनिएगा. थैंक यू.
कुछ करते हैं तो हमने सोचा कि इस बार हम जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में चले म्यूजिक चले और कुछ अच्छे गाने रिकॉर्ड करें। फाइव सोलो सॉन्ग्स ही कंपोज्ड माय सेल्फ। What is something different are we going to see in this? क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है जो पानी की वेव्स की आवाज़ है बहुत ही कम आजकल म्यूजिक में सभी चीज़ें सुनने मिलती हैं। किस तरीके से आपने पूरा शूट किया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि पाँच अलग अलग चीज़ें। देखिए एक तो अभी जो जो टाइम है इस टाइम में आप कर तो बहुत कुछ सकते हो। There's a lot of advantages. आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट है और कुछ कर सकते हैं बट एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो परसेप्शन के हैं कि इस तरह का काम चलता है, इस तरह का साउंड लोग सुन रहे हैं, ये पॉपुलर है बट एक्चुअली जो है म्यूजिक हर ज़माने में तरह तरह का म्यूजिक को एग्जिस्ट किया है। आप सोचिए जिस ज़माने में हम बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्म्स देखते थे 60s मानिए 50s 60s 70s उसी ज़माने में पंडित रविशंकर उधर यू नो इज डूइंग सच ग्रेट वर्क इंटरनेशनली विद क्लासिकल म्यूजिक। फिर पुण्यदास बाउल इज डूइंग इंटरनेशनल वर्क इन द सेम। आई थिंक जो हमारा जो मन की इच्छा थी कि ऐसा काम करें जो एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है जो कि इस टाइम के लिए सही है और एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है जो कि कैन हियर इट एनी टाइम एनी टाइम 50 इयर्स लेटर भी आप सुने तो आपको मजा लगेगा कि यार मजा आएगा। सो उसी हिसाब से ये बना है एंड इसमें आप बहुत लाइव अलग है, कभी कव्वाली है तो कभी ब्लूज है तो कभी सूफी गाना है और जो जिस गाने की जिक्र आप कर रहे हैं दरिया That is a Sufiana song, not typical song. Sufiana मतलब वैसे कि मैं कि ऊपर गा रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं होता है सूफी का। सूफी से philosophy, reason से philosophy। तो आप बड़े प्यार से softly you can sing a Sufi song। और उसको step पे गाना। और उसका lyrics important है। जैसे इस गाने में क्या है? The first line is दरिया के जल में बादल के टुकड़े। हाँ। So ये thought जो है This leads the song into various places. तो मतलब दरिया नीचे है आसमान ऊपर है कहीं ना कि सब कुछ सेम है, सब कुछ एक है, जॉइंट है किसी न किसी तरह इंसान जैसे जॉइंट है। It is infinite but it joins. Yeah. There's a lot in the album. There's a lot of depth in it. Yet it is easy listening. बहुत you know treasure मिलेगा कि वो साउंड का ट्रेजर है, लिरिक्स का ट्रेजर है, गायकी का ट्रेजर है, बहुत कुछ है इसमें। अरेंजमेंट और कंपोजिशंस उसका रिकॉर्डिंग जो हुआ है एंड इट हैज बीन मास्टर्ड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट साउंड इंजीनियर्स। इसी ग्रैमी अवार्ड के बता रहा था मैं हम लोग आ रहे थे तो बस आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑल दैट वी हैव मेट पहली बार तो हम सुने हैं एंड ऑल दैट बट टुडे आई वाज टॉकिंग अबाउट डायरी फिल्म मैंने कहा इतना क्लियर मेरे टोनल क्वालिटी उन्होंने इसमें यू मैनेज टू गेट इट इतना खुश हूँ इट्स लाइक एज आई एम जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू देयर सिंगिंग देयर आर टोटली फाइव डिफरेंट लाइक सॉन्ग्स विल यू लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग और जैसे कि आपने वेव्स के बारे में बताया और ब्लूज में है ब्लूज उसमें ब्यूटी ऑफ वुमन सो ये जोन एकदम ही अलग है रोमांटिक है पोएट्री इज सेंशुअल सो आप सुनिए उसका मेलोडी भी वैसी है इट कम्स विद सैक्सोफोन एक्सपेरिमेंट्स गिटार्स इट्स अ बिट मोर वेस्टर्न देन द अदर सॉन्ग्स और उसका ऑर्केस्ट्रेशन फुल जैसा है
रहेगा, वो हुस्न की ये चाह में और खुशी की बाह में होश खोने दे, होश खोने दे, बाली उम्र की सयानी हुस्न पर वो दीवानी, बाली उम्र की सयानी हुस्न पर वो दीवानी, हुस्न हसीन हुस्न जवान हुस्न बिना है सुनी जानी, हुस्न पीने को हुस्न पीने। मैं भी हो गई यही गाने में कहीं ना कहीं। इसका झोल एकदम अलग है इस गाने का। हाँ, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, टुडे इज 14 फरवरी, एवरीवन नोस इट्स अ वैलेंटाइन जर्नी, जब से स्टार्ट हुई है जरा आपकी तब से लेके अब तक कितना चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें आप मिस करते हैं, कोई दिन कोई यादें जब भी आज प्यार की बात है। एक वक्त था मैं टेलीफोन भी यूज करके देखता हूँ, वो यार शर्म के तो बजा कर काम ही नहीं, वो दिन देखे हैं और फिर उसके बाद गाने चलने लगे हैं, उसके बाद बहुत सारे। अभी ऐसा है कि बजना बंद कर थोड़ा देर के लिए, वो तो आजकल सोशल मीडिया में प्लिंग 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 बंद करके रखता हूँ। तो ये क्या है ना, हम म्यूजिक लेते हैं उससे सीखिए और रियाज कीजिए, सिर्फ वो रियाज काम आता है और कुछ नहीं काम आता, और जो भी काम आता है अगर इल्म ठीक नहीं हो तो थोड़ा देर चलता है, थोड़ी देर चलता है, इट कांट बी लॉन्ग। तो ये सब है मेरे सामने शेयर करते हैं यंगस्टर्स, रास्ता मुश्किल है, काम ठीक से करो और बस फिर छोड़ दो ऊपर वाले। अगर सर हम बात करें पांचों में सबसे बेस्ट आप लोग, आप तो फील है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ सॉन्ग, हर गाने का गायकी अलग है, हर गाने का अरेंजमेंट अलग है, सो इट्स डिफिकल्ट टू से दैट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे दरिया बोल रहे हैं यार उसी बहुत अच्छा है, फिर शाम तक शायद बोलेंगे अजनबी अच्छा है, सो डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट। सो वन मोर थिंग, नाउडेज लाइक म्यूजिक सुनते ही हर कोई बच्चा या फिर बड़ा हो वो एक रट्टा कर जाता है, लाइक गुनगुनाने लगते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जो भी लिरिक्स हो उसमें शब्द कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ गुनगुनाना बहुत आसान हो कर के उसे समझते नहीं। देखिए इट इज लाइक अ लैंग्वेज, वर्ड्स तो कोई बात है, गाना जो है म्यूजिक है सब कुछ है, ये सब शब्द प्रदान है जो हम काम कर रहे हैं, प्रदान है शब्द में ये सारा ड्रामा है, वो स्क्रिप्ट है, उसे हम जीवित ले आते हैं। जैसे मेहती साहब कहते थे कि हम सुर के जरिए शब्द को, शब्द से हम एक सीन क्रिएट करते हैं। अच्छा गाना प्यार भरे दो शर्मीले ना जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्मा, क्यों मुझे तड़पा। तो कहते थे कि लफ्ज़ को ऐसे गाए आप